नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। जीवन पिता फाउंडेशन कोरोना वायरस सम्मान समारोह हुआ संपन्न। बलिया टाउन हॉल बापू भवन जीवन पिता फाउंडेशन कोरोना वायरस सम्मान समारोह हुआ संपन्न, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राम बाबूजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष डॉक्टर ए के गुप्ता पूर्व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में कार्यक्रम किया गया। साथ ही कार्यक्रम के संस्थापक ऋषभ गुप्ता ने सारे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पत्रकार, रक्तदाता तथा अन्य लोग जिनका कोविड-19 वैश्विक महामारी में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सभी को कोरोना वायरस की उपाधि से सम्मानित किया गया और उन्होंने सारे मुख्य अतिथियों का स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया गया। अध्यक्ष कुमार हर्षित ने बताया कि हम लोग जनपद में रक्तदान की सेवा प्रतिदिन करते हैं और आगे भी करेंगे। साथ ही हमारी संस्था जल्दी शुरू करने जा रही है निःशुल्क 21 एम्बुलेंस की सेवा। संयोजक अमरिंदम चतुर्वेदी ने बताया कि लोग प्रतिदिन कोविड-19 का कैंप लगाकर प्रतिदिन टीकाकरण किया और हर लोगों की संभी मदद की है। मैं श्वेता राय, जिला महामंत्री महिला मोर्चा। आज बापू भवन में उपस्थित हुए हैं, कैसा कार्यक्रम था ये? अतुलनीय, अनुपम, मतलब जिसकी इतनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। अपने आप में ये कार्यक्रम एक छवि है और एक महिलाओं और पुरुषों और हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। जी, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आम पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये आम पब्लिक का ही तो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम ही आम पब्लिक का है। जीवन प्रदाता फाउंडेशन ये आम पब्लिक के लिए चलाया गया है। जो सक्षम नहीं है, ब्लड देना सबसे बड़ी बात होती है। ये लोग ब्लड दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? खास को थोड़ी दे रहे हैं, आम के लिए तो काम कर रहे हैं। आम पब्लिक का ही कार्यक्रम है और आम पब्लिक का ही ये फाउंडेशन है। अपना एक पर्चे बताइए। जी, मैं पीयू सिंह, जीवन प्रदाता फाउंडेशन में। जी, आज बापू भवन में कैसा कार्यक्रम चल रहा है? आज बापू भवन में कोरोना वायरस सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने कैसे त्रासदी आई थी, बच्चों का ऐसा मंजर आ गया था कि उस दौरान जिन जिन लोगों ने कोरोना काल में अपने जान की बाजी लगाकर लोगों का सेवा किया है, लोगों की जानों को बचाया है, हम लोग आज उनको सम्मानित कर रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने हमारे फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान करके जिंदगी बचाई है, हमारी उनको भी सम्मानित कर रहे हैं, ताकि उनका मनोबल बढ़े, लोगों में एक मोटिवेशन जाए, एक मैसेज जाए कि वो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज जो सम्मानित किया गया, किन किन विभागों को लोगों किया गया? जी, हमने डॉक्टर्स को सम्मानित किया है, मीडिया कर्मी को सम्मानित किया है, सफाई कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी जो है उन लोगों को सम्मानित किया गया है, हमारे ब्लड डोनर्स और फिर कोरोना वॉरियर्स जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते रहे कोरोना काल में, हमने उन लोगों को भी सम्मानित किया है। कितने लोग हैं जो सम्मानित किया गया अब तक? आज हमारे संस्था के द्वारा लगभग 250 लोगों को सम्मानित किया गया है। 250 लोगों का? जी, मैं जीवन प्रदाता फाउंडेशन का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मेरा नाम नरेश कुमार गुप्ता है। जी, आज का कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन लोग आए हैं, क्या कैसा कार्यक्रम आप कर रहे हैं? आज के अतिथि में सीएमओ इंचार्ज विजय यादव जी हैं और विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर राम बाबू और डॉक्टर ए के गुप्ता चिकित्सा अधिकारी। जी, आज जो सम्मान समारोह कर रहे हैं भलिया में, जैसे सम्मान समारोह ऐसे लोगों का, आप लोगों में उस समय आप लोगों में कदम कदम मिलाकर चले, लोगों का आपने सेवा किया और खुद सम्मान समारोह भी रखे हैं, इससे बड़ी अपने आप में ही बड़ी बात है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लोग आगे निकल कर लोगों की सहायता करें, अपना योगदान दें इस कार्य में और कुछ ना कुछ सहयोग करते रहें। इस त्रासदी में जैसे कुछ लोग किए हुए हैं, उन लोगों को सम्मानित किया गया, उन लोग अब गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को ऐसे कुछ ऐसे प्रोग्रामों ऐसे समारोह में सम्मिलित होकर। जी, इसका मतलब तात्पर्य इसके अलावा कितने भी कोई भी आपत आए तो आप लोग आगे रहेंगे? हाँ जी, हम लोग की कोशिश है कि हम लोग की कोशिश ये है कि अधिक से अधिक लोगों को जरूरत की चीज़ों को हम लोग पहुँचाया जा सके, हम लोग इलाज किया जा सके।
बता दीजिए जी। मेरा नाम अनुराग कुमार है और मैं जीवन प्रदाता कार्यकारी सदस्य हूँ जी। आज जो कार्यक्रम चल रहा है कैसा कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम कोरोना वायरस सम्मान समारोह का था, इसमें हमने जिले के सभी जो डॉक्टर हैं, जो हमारे कोरोना काल में वर्क किए हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं और यहाँ तक जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है, हमने उन सभी को सम्मानित किया है। लगभग कितने लोग होंगे? लगभग हमारे 250 प्लस लोगों को हमने सम्मानित किया है। ये क्या उद्देश्य है आपके संस्था का? उद्देश्य ये है कि जो कोरोना की भीषण त्रासदी है, तो उस समय जो लोगों ने अपने परिवार का अपने परिवार करके दूसरों के लिए सेवा भाव किया, हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। जो आपके संस्था का उद्देश्य यही है, जो उस वक्त जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोग डरते थे, उस समय आप लोग भी उस कोरोना काल में आपने सराहना कार्य किया आप लोगों ने भी जी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी संस्था के द्वारा? हम अपनी संस्था के द्वारा यही संदेश देना चाहते हैं कि जब भी ऐसी कोई त्रासदी आए या कभी ब्लड डोनेट करने की जरूरत हो, आप घर से बाहर निकलिए और लोगों को ब्लड डोनेट करिए, ताकि जिससे दो जिंदगियां एक जिंदगी बच सके। अपना एक परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर ए के गुप्ता, एस पी सिटी हॉस्पिटल जी। बी आर एस लेकर के नर्सिंग होम में एज ए सर्जन काम करता हूँ जी। आज इस कार्यक्रम में करीब तौर पर शायद आए हुए हैं। हाँ, और ये कैसा कार्यक्रम है? ये तो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, जो कि युवा शक्ति ने, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को, वैसे प्रोग्राम तो काफ़ी लंबा होना चाहिए था, लेकिन इतनी जल्दी इन लोगों ने इसको ये किया और किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। इतने लोगों ने सेवा भावना दिखाई है कि किसी वर्ग को इन्होंने नहीं छोड़ा है, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, और इसमें इन लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए कि इन्होंने इतने कम समय में इस प्रोग्राम को इतना बढ़िया तरीके से संचालित किया। और हम लोगों से ये उम्मीद करेंगे बाकी लोगों से, जो कि तन मन धन, जो तन से नहीं कर सकते हैं, कम से कम मॉरली और आर्थिक रूप से इन लोगों की मदद करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इन लोगों के फाउंडेशन चलाने के लिए। और ये लोग काफ़ी एनर्जेटिक हैं और भविष्य में भी इसी तरह से रहें, ये समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि ये नए लड़के जो हैं इस समय इस समाज में, जो कि समाज दूसरी तरफ जा रहा है, एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जा रहा है जी। शब्दों के साथ में इन लोगों के भविष्य या कार्यों के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि ये लोग और अच्छी तरह से, अच्छे उत्साह से और अच्छे अपने कार्यों से, अपने संकल्प से इस मिशन को पूरा करें। और हम लोग जैसे लोग जो कि फिजिकली तो नहीं रह सकते, लेकिन मॉरली और आर्थिक रूप से उनके साथ रहेंगे और इनका सहयोग करेंगे, और आशीर्वाद है, शुभकामनाएँ हैं जी। आज कितने लोगों को सम्मानित किया गया, किन किन विभागों किया गया? अब तो इतना तो मैं तो एज ए गेस्ट था, तो हमको लगा कि किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं था कि किसी फील्ड को छोड़ा गया है, चाहे वो कोरोना में हो कि कोई भी फील्ड हो, चिकित्सक हो, पैरामेडिकल हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस के लोग हैं, और कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कि इसमें इन्वॉल्व रहा है और उसको सम्मानित नहीं किया। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और समाज के हर वर्ग को खोज करके इन लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है, और ये लोग बधाई के पात्र हैं और प्रशंसा के पात्र हैं। आज बापू भवन के सम्मान समारोह में आप उपस्थित हैं, एक कैसा कार्यक्रम था और किन लोगों से मनन किया गया था, कौन से संस्था ये है? देखिए, जीवन प्रदाता एसोसिएशन ये भी है, जो कि यहाँ के बच्चों के द्वारा कुछ महीने पहले शुरू किया गया था कोविड पीरियड में। कुछ अगल बगल की घटनाओं को देखते हुए इन लोगों में ऐसा उत्साह आया कि हम लोग को कुछ करना चाहिए, और उसी से प्रेरित होकर के उस समय से ये लोग बलिया व्हाट्सएप जो है बनाए, और कुछ ही घंटे में कई सौ लोग,
और उस व्हाट्सएप के माध्यम से ये लोग समाज के हर लोगों से जुड़े। और जहाँ तक आज का प्रोग्राम की बात है, सम्मानित करने की बात है, ये किसी वर्ग को छोड़े नहीं जो कि कोरोना पीरियड में किसी न किसी रूप में लोगों के काम आया हो, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मी से लेकर डॉक्टर से लेकर पुलिस वर्ग से लेकर के वैक्सीनेटर से लेकर के हर तरह के टेस्ट करने वाले लोगों से लेकर के हर लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। काफ़ी लंबा प्रोग्राम होना चाहिए था और काफ़ी मन समय भी लगा और रियली ये बच्चे जो है बधाई के पास थे। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया, हम उनके बच्चे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे चल के बहुत अच्छा काम करेंगे। इन्होंने एक इसमें ये तो जो सम्मान की बात थी, एक इन्होंने ब्लड ग्रुप कैंप चलाया है जो कि लगभग पूरे इंडिया को छोड़ दिया है उस माध्यम से। मतलब कि अगर आप किसी दूसरे शहर में लखनऊ में अगर वहाँ पर आप ब्लड की ज़रूरत हो, अगर इनसे संपर्क करेंगे तो यहाँ बैठे बैठे जो है वहाँ उपलब्ध कराने की इनके पास साधन है। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आगे के लिए। धन्यवाद। मैं राकेश कुमार श्रीवास्तव, विश्व जीवन प्रदाता फाउंडेशन का कार्यकारिणी का मेंबर हूँ और आज जो समारोह हो रहा है उसका अध्यक्ष जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चों ने जैसा काम किया है, बहुत बड़े बड़े एनजीओ नहीं कर सके, इन बच्चों के लिए और लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, किसी ने कहा है कि ये जो रोग विश्वव्यापी महामारी फैली थी उसके बारे में एक शहर ने कहा है कि ये आदमी को आदमी से दूर कर दिया और लोगों को घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया। इस विषम परिस्थिति में कुछ नौजवान अपने दिल में लोगों की सहायता करने की जज्बा लेके समाज में आए, आगे बढ़े, उसी जज्बे से प्रेरित होकर मैं भी इस जीवन प्रदाता फाउंडेशन का मेंबर बना और लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि पे चल रही है। और कोरोना काल में जिस समाज के जिन जिन क्षेत्रों के लोगों ने अच्छा काम किया, मैंने काम करने का काम किया, उनको सम्मानित किया गया है। हमारे समाज से लगभग 100 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया है। समाज के हर क्षेत्र से सभी लोगों को, चिकित्सक हुआ, सफाई कर्मी हुए, पत्रकार बंधु हुए, जिन जिन पुलिस कर्मी हुए, सभी को सम्मानित किया गया। ठीक है, मैं विजय शंकर गुप्ता, सचिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का जिला संयोजक। आज जीवन प्रदाता फाउंडेशन जो कार्य पिछले वर्षों जो किया है, मैं समझता हूँ कि ऐसी संस्था बलिया में हमारी कोई नहीं है जो इस तरह का कार्य। हम लोग हॉस्पिटलों में और जगह एक ब्लड के लिए वो परेशानी उठाते थे, लोगों को प्रेरित करते थे, अपने स्वजन जो है कतरा कर चले जाते थे। इन परिस्थितियों में इन लोगों ने जो कार्य किया है वास्तव में अति प्रशंसनीय है। ऐसा कार्य बलिया जिले में जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि आसपास के जनपदों में भी ब्लड की कोई समस्या नहीं होगी और समस्या हुई भी नहीं है। इन लोगों ने सारे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी ब्लड की आवश्यकता इन लोगों की सूचना गई है वहाँ पर ब्लड इन्होंने दिलवाया है। ये कार्य बहुत ही प्रशंसा वाली है और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं एक इन लोगों को संदेश देना चाहूँगा, ये थके नहीं और हार नहीं माने, ये लोग करते जाएंगे, हम लोग साथ जुड़ते जाएंगे। और आगे ऐसे भी कार्य हैं जो कि हमारी तमाम सरकारी संस्थाएं और संस्थाएं जो नहीं करती हैं, इनों से आशा है कि ये लोग करेंगे और हम लोग मदद करेंगे। और बलिया में बहुत सारी समस्याएं जिनकी ये लोग निदान करेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इनको हर तरह का सहयोग देने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। जैसा भी सहयोग मांगेंगे वैसा हम लोग सहयोग देंगे, बस जरूरत है इन लोग आगे चलने।